हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटअप्स क्लासरूम। मैं प्रद्युम्न त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए खास हम लोग लेके आ रहे हैं 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर पॉलिटिकल साइंस विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ एग्जामिनेशन रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जितने भी डिफरेंट एग्जामिनेशन होते हैं उसके हेल्प करवाने के लिए आपके लिए हम कुछ बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आएंगे। तो ये डेली आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए, और प्रैक्टिस करते जाइएगा और आपकी सक्सेस एंश्योर होते जाएगी, ठीक है। सो जैसे आपका यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन है, डेफिनेटली उसके लिए क्वेश्चन है। सेट एग्जाम जो स्टेट के सेट एग्जाम होते हैं, सेलेक्ट एग्जामिनेशन होते हैं, एमए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, डीयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी प्रकार के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, एमफिल पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ओके, उसमें भी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, इवन वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। सो अगेन For all these examination, these questions are going to be helpful for your practice and it will give you very, very good amount of revision for your exam preparation. ठीक है, तो पहला question देखते हैं। First question, which of the following compels the Hobbesian man to consent to the social contract? Which of the following compel the Hobbesian man to consent the social to the social contract? निम्नलिखित में से कौन हॉबशियन मानव को सामाजिक अनुबंध में सहमति देने के लिए मजबूर करता है? क्या समस्या ऐसी कि जिसके चलते लोग पीपल आर रेडी टू कंसेंट टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो क्यों सामाजिक अनुबंध क्यों कर रहे हैं? ऑप्शंस है फियर ऑफ वायलेंट डेट, डिजायर फॉर ग्लोरी, डिजायर फॉर पावर, एनवी ऑफ द पावरफुल, हिंसक मौत का डर, गौरव की इच्छा, शक्ति की इच्छा, शक्तिशाली से ईर्ष्या। तो ये चार ऑप्शन है, ओके। अब जरा याद कीजिए कि जब हम बात करते हैं हॉबशियन सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, जब हम हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, सो हॉब्स बेसिकली सेज कि इन द स्टेट ऑफ नेचर प्राकृतिक अवस्था में लोग क्या है, द प्राकृतिक अवस्था को एक्सप्लेन कैसे किया हॉब्स ने, ही सेज स्टेट ऑफ नेचर इज सॉलिटरी, ब्रूटिश, नेस्टी, शॉर्ट, ओके। सो ही बेसिकली सेज कि द स्टेट ऑफ नेचर इज नॉट गुड, इट इज अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे लगातार लड़ाइयां चल रही हैं, ओके, एंड एवरीवन्स हैंड इज ऑन अनदर थ्रोट, हर इंसान का हाथ दूसरे गले पे, सब पावर सीकिंग है, ईच एंड एवरीवन इज किलिंग ईच अदर, ओके, सो लाइफ इज नॉट सिक्योर्ड देयर, सो जिंदगी का कोई सुरक्षा नहीं है वहां पे, ओके, एंड दैट्स व्हाई, बिकॉज लाइफ इज नॉट सिक्योर्ड इन द स्टेट ऑफ नेचर, प्राकृतिक अवस्था में स्टेट ऑफ नेचर में जिंदगी सिक्योर्ड नहीं है, एंड दैट्स व्हाई फॉर द सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपनी खुद की, सो दैट्स व्हाई ही यूज द वर्ड सेल्फ प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन फॉर द सेक ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, खुद को बचाने के लिए, किसी भी वायलेंट डेथ से, हिंसक मौत से बचने के लिए, कि वो उनकी जान ना चली जाए, इसलिए बिकॉज अगेन नॉर्मल जान तो जानी है, बट अगेन जो नॉर्मल डेथ है वो नहीं, नेचुरल डेथ नहीं, बट किसी हिंसक के चलते या फिर डेथ हो जाती है उससे वो डर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे बिलीव कि इफ दे लीव दिस स्टेट ऑफ नेचर एंड दे फॉर्म अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और जहां पे वो एक संबंध बनाने, एक सोसाइटी बनाएंगे, राज्य बनाएंगे, तो उनकी जान की सुरक्षा रहेगी। सो फ्रॉम द फियर ऑफ वायलेंट डेथ, सो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ऑप्शन सोशल मैन जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, फॉर द सेल्फ प्रिजर्वेशन, दिस इज द ओनली रीजन, ओके, सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो हिंसक मौत के डर से ऑप्शन मैन कंसेंट टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध को से सहमति देते हैं, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो करेक्ट आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ एंड ऑफ हिस्ट्री वॉज फर्स्ट अनाउंस बाय, द आइडिया ऑफ एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के अंत का विचार सबसे पहले की घोषणा सबसे पहले किसने की थी, ईगल, कांट, फ्रांसिस फुकुयामा, कार्ल मार्क्स, और यहां पर ठीक है ऑप्शन आपके सामने लिखे। नाउ अब इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नीड टू बी टोल्ड इन द कमेंट बॉक्स, आप मुझे सभी लोग जो भी वीडियो देखेंगे आप सभी मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और इसका करेक्ट आंसर क्या है, ओके, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू टेल यू इन माय टुमारो सेशन, दैट इज On 2nd of April, 8:15 PM, Mega Marathon Quiz. So tomorrow we are going to conduct a Mega Marathon Quiz for Political Science. So याद रखिएगा, आपको Political Science की Mega Marathon Quiz को join करना है, और तभी starting में, in the beginning of the session only, class के starting में मैं आपको पिछले question का answer बताऊंगा. So be ready, be there on 2nd of April and prepare करके आइएगा, ठीक है? The session will be available on GridUp app as well as on YouTube. So कल मिलते हैं 2 अप्रैल को 8:15 PM पर फॉर मेगा मैराथन क्विज, एंड इसका आंसर भी जानेंगे, तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डालना स्टार्ट कीजिए, और आपका आंसर मैं आपको बताता हूँ कल के सेशन में, ठीक है? सो इसी के साथ क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ, एंड ध्यान रखिए लाइक करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द सेशन, ओके, बाय बाय गाइज, एंड प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम पेज ऑल्सो, बाय बाय।